हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट पेपर पॉलिटी राजभाषा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ये टेस्ट 6 है, उसके साथ साथ ये रिवीजन सेशन है। इससे पहले 5 टेस्ट हो चुके हैं। इस टेस्ट में टोटल 20 प्रश्न है। 20 प्रश्न में 4 ऑप्शन को मिलाकर लगभग 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 200 क्वेश्चन की एक सीरीज है जिसका टेस्ट 6 है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले के 5 टेस्ट में 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये 6ठा टेस्ट है जिसमें टोटल 20 प्रश्न होंगे। 51, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? गोवा, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। तो राइट ऑप्शन इज द गोवा। देखिए राइट ऑप्शन इज द गोवा। देखिए मतदान निगरानी प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि कंप्यूटर पर मतदाता के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं तथा उसकी फ़ोटो ली जाती है। ठीक, क्या फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं तथा उसकी फ़ोटो ली जाती है और उनका रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, KPLT कर्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? देखिए कोई कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो किसी एक प्रदेश या दो प्रदेश में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, जैसे BJP है पूरे भारत में सक्रिय, कांग्रेस है पूरे भारत में सक्रिय, इसी प्रकार KPLT कर्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर ये एक स्पेसिफिक प्रदेश में सक्रिय है। वो कौन से हैं? गोवा, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। तो राइट ऑप्शन इज द सी, असम। KPLT जो है असम राज्य में सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प था? मतलब ये है कि जो ये राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य था, इनमें से कौन सा अधिनियम लागू होने का लक्ष्य था? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज द सी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग को क्या करेगा? ऑप्शन ए, 64 से अधिक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऑप्शन बी, दूसरी EVM का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी, इस सीट पर चुनाव EVM की जगह बैलेट बॉक्स लेंगे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज द सी इज द राइट ऑप्शन, इस सीट पर EVM की जगह बैलेट बॉक्स से चुनाव होंगे। देखिए EVM जो होती है, EVM इलेक्शन वोटिंग मशीन, इसमें क्या होता है, अधिकतम 64 प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की बटन और जगह दी हुई होती है। ठीक, यदि 64 प्रत्याशियों मतलब 64 प्रत्याशियों का मतदान EVM के द्वारा हो सकता है, 64 प्रत्याशी इसे अधिक हैं तो चुनाव बैलेट बॉक्स से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, EVM में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो अभी बताया था EVM में अधिकतम 64 प्रत्याशियों का मतदान हो सकता है। तो राइट ऑप्शन इज द डी। ठीक, देखिए कुछ ये थ्योरी दी जो कि इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। क्या EVM अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा कर सकता है? ठीक, बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है। यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक हो जाती है तो दूसरी बैलेट यूनिट का पहले बैलेट यूनिट के समांतर जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 32 से अधिक है तो तीसरी बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है। मान लीजिए एक इसके समांतर दूसरी जोड़ दी, इसके समांतर तीसरी जोड़ दी, इसी प्रकार 4 को अधिकतम जोड़ा जा सकता है। टोटल 64 प्रत्याशियों का मतदान हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? ऑप्शन 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन इज द बी, 2 किलोमीटर। मतलब पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम 2 किलोमीटर की दूरी ऊपर हो सकता है। देखिए जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर के लिए हैंडबुक में अध्याय 2 में पैरा 3 के अनुसार दिया गया है, मतदान केंद्रों को इस तरह से स्थापित किया जाए कि आमतौर पर मतदाता के घर से मतदान केंद्र की दूरी 2 किलोमीटर हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, एक EVM में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? 3840, 2840, 5065। तो राइट ऑप्शन इज द ए, 3840। एक EVM में अधिकतम 3840 मत पढ़ सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर बूथों पर मतों की संख्या 1500 से अधिक नहीं होती है। ठीक है, ये आमतौर पर है और EVM में क्षमता है 3840 वोट पढ़ने की। ठीक है, तो ये पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, भारत में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से
तैयार और डिजाइन किया जाता है, मतलब किस कंपनी के सहयोग से ईवीएम को डिजाइन किया जाता है और तैयार किया जा सकता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ए भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड और इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी डीआरडीओ और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, ऑप्शन डी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी लिमिटेड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो राइट ऑप्शन इज द बी डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये लोग मिलकर ईवीएम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, ईवीएम इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई थी? प्रयोगात्मक आधार पर, मतलब ट्रायल होता है पहले, ये है कि प्रयोग कब किया गया प्रयोगात्मक आधार पर, ठीक है। ए 1989-90 में, बी 1992-93 में, सी 1998-99 में, डी 2002-03 में। तो राइट ऑप्शन इज द ए 1889-90 में ईवीएम को पहली बार प्रयोगात्मक रूप से प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? अब तक किसी भी चुनाव में भारत के निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम उम्मीदवार, मतलब किसी भी क्षेत्र में अधिकतम कितने उम्मीदवार आज तक खड़े हुए हैं? तो राइट ऑप्शन इज द डी 1033, ठीक है। देखिए तमिलनाडु के मोदाकुरुची विधानसभा में, कौन सी? तमिलनाडु में मोदाकुरुची विधानसभा में 1996 में 1033 उम्मीदवार खड़े हुए थे, ये पहली बार हुआ था। और अब तक उससे पहले और बाद में अब तक इतने प्रत्याशी एक साथ चुनाव में किसी भी क्षेत्र में नहीं खड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, पार्टी पावर मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय में विवेकाधीन निधि से अनुदान भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए चुनाव शुरू होने से 24 घंटे पहले, ऑप्शन बी आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई चुनाव शुरू होने से 36 घंटे पहले, चुनाव शुरू होने के 48 घंटे पहले। तो राइट ऑप्शन इज द बी आयोग द्वारा समय चुनाव घोषणा की गई, ठीक, आयोग द्वारा उस समय चुनाव की घोषणा की गई हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटों के समाप्त होने वाले खाली स्थान घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब आचार संहिता के नियम अनुसार कितने घंटे पहले मतदान की मीटिंग नहीं कर सकते हैं, उसके बाद मतलब चुनाव होने से कितने घंटे पहले मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो 62 का राइट ऑप्शन इज द डी, मतलब चुनाव होने के 48 घंटे से पहले के बाद मीटिंग नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आज चुनाव होने वाला है तो आज से 48 घंटे पहले से चुनाव प्रचार मीटिंग वगैरह सब बंद हो जाएगी। नेक्स्ट 63, भारत के दूर संचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ए 97 में भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश 1997-2001। तो राइट ऑप्शन इज द सी 1997 में कानून द्वारा संसद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूर्वी ब्लॉक, पश्चिमी ब्लॉक, उत्तरी ब्लॉक, दक्षिणी ब्लॉक, जैसे वित्त मंत्रालय के परिसर को, तो 64 का राइट ऑप्शन इज सी उत्तरी ब्लॉक को वित्त मंत्रालय का परिसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रावधान करता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 110, 111, 112, 113। तो राइट ऑप्शन इज द 111, ठीक, बी ऑप्शन। क्या है? 111 है, ये संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार भारत में दुशासन के रूप में जाना जाने वाला एक सिस्टम पेश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि विभिन्न विषयों के क्षेत्र में विभाजित किए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? केंद्रीय विषय और प्रांतीय में विभाजित किए गए, आरक्षित विषय और स्थानांतरण में विभाजित किए गए, निहित विषय और अवशिष्ट विषय में विभाजित किए गए, सामान्य विषय और संवर्ती विषय में विभाजित किए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन इज द बी, राइट ऑप्शन इज द बी,
आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, सेवा का अधिकार निम्नलिखित बलों अधिनियमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ए लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, बी नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण विधेयक, सी सूचना का अधिकार अधिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 67 तो राइट ऑप्शन इज द सी, सूचना का अधिकार अधिनियम सेवा के अधिकार पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 68 राज्यों और केंद्रों के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है। ठीक, किसका? राजस्व और साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 265, 270, 274, 230। तो राइट ऑप्शन इज द, इसमें ये 280 है। ठीक है, राइट ऑप्शन इज द 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के विषय में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, अफसफा पहली बार कहाँ लाया गया था? मणिपुर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, सात पूर्वोत्तर राज्यों में। 69 अफसफा क्या है? एक प्रकार का कानून है जो सेना को एक्स्ट्रा अधिकार देता था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन इज द डी, सात पूर्वोत्तर राज्यों में अफसफा पहली बार लगाया गया था। जम्मू कश्मीर में भी लगाया गया है, इस पर कई बार न्यूज़ में चर्चाएँ होती रहती हैं। तो सबसे पहले सात पूर्वी राज्यों में लगाया गया था। ठीक, 70 संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की आठवीं अनुसूची में 17, 19, 21, 22, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं जो कि ये दी गई हैं। देखिए, भाषाओं की बात होती है तो संविधान की आठवीं अनुसूची की बात होगी। ठीक, भाषाओं के विषय में संविधान के भाग 17 में दिया गया है। ठीक है, आठवीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोकड़ी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, सिंधी, हिंदी, ये भोजपुरी को इन 23वीं भाषा के रूप में शामिल किया जाए, इसका संसद में चर्चा चल रही है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, बताइए, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।